खबर है डीडवाना से, जहां पर जलदाय विभाग की खाना पूर्ति का मामला सामने आ रहा है। जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वार्ड नंबर 15 के वार्ड वासियों ने जमकर नारेबाजी की है जलदाय विभाग के खिलाफ और उन्होंने आरोप लगाया है कि पानी वितरण की व्यवस्था में जलदाय विभाग कर रहा है अपनी मनमानी। नागौर जिले के डीडवाना कस्बे के वार्ड संख्या 15 के मोहल्ले वासियों ने आज आयुर्वेदिक औषधालय के सामने इकट्ठा होकर जलदाय विभाग द्वारा राजनीतिक द्वेषता से काम करते हुए जलदाय विभाग की जलदाय वितरण व्यवस्था में की जा रही मनमानी का विरोध जताया। इस दौरान जलदाय विभाग के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और वार्ड वासियों से समझाइश भी की गई। वार्ड वासियों ने बताया कि वर्तमान में उनके द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से रॉयल मार्केट पानी टंकी से मोहल्ला खिड़की दरवाजा गुजर की गली झालरिया मंदिर एरिया में पानी सप्लाई आ रही है, लेकिन राजनीतिक लोगों द्वारा जानबूझकर उनके मोहल्ले की पानी की सप्लाई बाधित कर दूसरी पानी की टंकी से कनेक्शन करवाने पर उतारू है, जिसके लिए मोहल्ले वासियों का पूर्ण आपत्ति है। मोहल्ले वासियों ने इस मांग को लेकर कि जल्द से जल्द खिड़की दरवाजा मोहल्ला की पानी सप्लाई पूर्व की भांति रॉयल मार्केट पानी टंकी से जारी रखी जाए को लेकर अपनी मांग की है।